ओनली 2 मिनट्स सर। आज की सर रैली यहाँ पर बहुत अच्छा था। सर सर आज की रैली पर बीजेपी के प्रेसिडेंट आईजेपी नेता कितना मोटिवेशन मिलेगा सर? आज हम लोग के लिए बहुत एक कार्यकर्ता का हिसाब से बहुत ही एक दिन अच्छा एक उत्सव एक बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव में पहली बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आना, तो ये हम सभी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी अच्छा बात है और सभी का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो चुका है। खास करके भारतीय जनता पार्टी 2014 ऑनवर्ड्स ने जो काम किया है तो उससे काफ़ी फर्क अरुणाचल प्रदेश को मिला है और इस डेवलपमेंट के जर्नी में हमारे जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और लोग गांव-गांव में इवन बूथ लेवल में भी लोगों को डेवलपमेंट के स्कीम के साथ में जुड़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुआ है। तो आने वाला दिनों में और भी आज के इस इवेंट के बाद में कार्यकर्ता आर वेरी मोटिवेटेड और भी पार्टी का लक्ष्य को आगे लेके जाएंगे। 7 ईयर्स की जर्नी में सर बहुत डेवलपमेंट हुई अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अभी जैसे बीजेपी में हर कोई जुड़ते जा रहा है तो ये सीट देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? अलग अलग नहीं, बीजेपी क्योंकि एक इस पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा पार्टी है और यहाँ में पार्टी में ज्वाइन करने के लिए दरवाजा खुला है। आके आप लोग आके ज्वाइन करके पार्टी का जो अपना जो डिसिप्लिन है उसको सीखते हुए, तो इट्स एन ओपन हाउस टू एवरीवन। तो जहाँ तक चुनाव का जो बात है तो चुनाव का जो प्रतिक्रिया है उसका अपना एक कमिटी होता है, वो लोग एग्जामिन करके टिकट इसको देना नहीं देना वो कमिटी एग्जाम करके ही इसमें फाइनलाइज होता है। जैसे आज बोलो सर 60 में से 60 सीट और 2 MP और राज्यसभा सभी आपकी बीजेपी को जानी चाहिए, जयपुर नड्डा ने अपील की, आप क्या कहेंगे 60 में से कितनी उम्मीद करते हैं? नहीं, 60 में से हम लोग कोशिश तो जरूर करेंगे कि 60 में से 60 पूरा लेके आने का, लेकिन अल्टीमेटली फिर पब्लिक का अपना किस रीजन में क्या चाहत है। डेफिनेटली डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पब्लिक होता है और पब्लिक के साथ में और भी जुड़ने के लिए हम कार्यकर्ता लोग पूरा काम करेंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर तीनों डिस्ट्रिक्ट की पीसीएल रीजन में एमएससीएम की ये जो है प्रॉब्लम, ये कब तक सर इसको फिर सॉल्यूशन के लिए आप लोग करेंगे? इसको लेके अभी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट अभी कुछ हफ्ता पहले जो वहाँ पे हुआ है उसको लेके हमारा लेवल में ऑलरेडी मीटिंग भी हो चुका है, सिक्योरिटी के लोगों के साथ में भी रिव्यू हो चुका है, तो अपना फोर्सेस को जिम्मेदारी दिया गया है, अकॉर्डिंगली दे आर एक्टिंग ऑन इट। देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थल पर जाइए, स्थल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जेपी नड्डा जी आए और पार्टी कार्यकर्ता को बहुत सा एक एनकरेजमेंट दिया और पार्टी आगे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। स्पीच कैसी लगी? पांच साल में सबसे बेस्ट स्पीच आज का। हाँ, कैसे आपको स्पीच कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी इंप्रेसिव स्पीच। बहुत मोटिवेटिंग था, कार्यकर्ता लोग आए तो सबका मनोबल बहुत ऊंचा है। ये दूसरा मौका है, पिछले बार मैं नामसाई में भी जेपी नड्डा जी आए थे, हमारे ऑनरेबल जेपी नड्डा जी, और नामसाई में भी मैं बैठा था, तो उनका जो स्पीच देने का अंदाज और जिस तरह से वो अपना बात को समझाते हैं वो डेट इज बियॉन्ड कंपेयर है। कितना बेहतरीन तरीके से समझा के, आंकड़े को आगे रख के बहुत ही खूबसूरती से समझा के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। आज पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आलोक को अगर एज ए होल ले लिया जाए तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आलोक का एक गौरव था, एक 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 नाम था, एक समय था जब आलो शीर्ष में था, आलो वाज ऑन टॉप, लेकिन ओवर द इयर्स आलो का जो जो कद है वो छोटा होते गया है। अब जब से भाजपा सरकार, पेमा खांडू हमारे ऑनरेबल यशस्वी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने स्टेट का कमान संभाला है, आलो जो है धीरे धीरे अपना पोजीशन को रिगेन कर रहा है। तो 2019 जब से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने कमान को संभाला है, आलो धीरे धीरे अपना पोजीशन पा रहा है और अगर मैं निर्वाचित होकर आता हूं तो आलो के लिए आलो में एक्चुअली दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, तो मैं वेस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो वेस्ट में करने के लिए बहुत कुछ है, वो अगर बोले तो बहुत मेरा एक एक बहुत एक विजन डॉक्यूमेंट जैसे मैं बनाया हुआ, आपको जरूरत होगा तो मैं आपको एक बार पहुंचा दूंगा। और ईस्ट के एमएलए के साथ, क्योंकि टाउन जो ईस्ट में पड़ता है उसके साथ मिल के आलो को उसका पुराना खोया हुआ गौरव को प्राप्त करवाना है जो अभी धीरे धीरे